ऑनलाइन क्लास बेटा आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होते हैं? तो वे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, ठीक है ना, शेर, तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। बच्चों लिंग अपन बचपन से पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास में और आपको आता भी है, ठीक है ना। कि लिंग लिंग क्या होता है? वे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग में किसका बोध होगा? स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। कोई पूछेगा लिंग के कितने भेद है? तो लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्रीलिंग। और वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं पुल्लिंग। तो ये चीज तो बहुत ईजी थी, ठीक है ना, जो हम बचपन से पढ़ते हैं और आप लोगों को पता भी है। लेकिन बच्चों सजीव वस्तु में हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, लेकिन निर्जीव वस्तु में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है? तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पुल्लिंग में सबसे पहले देशों के नाम, भारत, अमेरिका, तो देशों के नाम काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। इधर से कोई तुमसे बोले कि खड़ा होता है भारत कौन सा लिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि देश का नाम है यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है। पर्वत, जितने भी पर्वत के नाम है वो सब काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। समुद्र, समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, समुद्र के नाम काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। पेड़, जितने भी पेड़ है उनके नाम भी काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। धातु, सोना, चांदी, हीरा, ये सब पन्ना, ये सब काहे में आएगा? पुल्लिंग में। ग्रह, ग्रह जानते हो आपके नौ ग्रह, केवल पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी तो आएगी स्त्रीलिंग में, बाकी मंगल, सोम, जो भी ग्रह है आपके नौ ग्रह में से आठ ग्रह काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। और पृथ्वी काहे में आएगी? स्त्रीलिंग में, ठीक है। मास यानी महीनों के नाम काहे में आएंगे? अपने पुल्लिंग में। और रत्न, रत्न होते हैं ना, वो भी अपने काहे में आएंगे? पुल्लिंग में। तो जो निर्जीव वस्तु उसको इस तरह करेंगे कि पुल्लिंग में देश के नाम, पर्वत, समुद्र,
और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण देके बताइए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे लिंग के भेदों के नाम लिखिए और परिभाषा दीजिए, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की परिभाषा दे दीजिए, बाकी आप बुक में जब चैप्टर पढ़ेंगे